हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग मैम. शेयर योर पीपीटी ऑन स्क्रीन. इज दैट विजिबल मैम? हेलो हेलो, यस यस मैम, कैन यू स्टार्ट? यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में मैं प्रांजलि पिंगट आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ. आज का जो विषय है वह है हिंदी लोक भारती, और आज जो घटक हम देखने वाले हैं वह है वर्कशीट. सितंबर महीने में हर एक महीने में आपको अलग अलग विषयों के वर्कशीट दिए जाते हैं कि जो जो आपने उस महीने में पढ़ा है उसके संबंधित जो प्रश्न है उस वर्कशीट में रहते हैं. और जिस तरीके से हमारी कृति पत्रिका रहती है उसी उसी के प्रारूप वहाँ पर प्रश्नों का स्वरूप रहता है. तो जैसे जो जो पढ़ा है वो उसमें कौन कौन से टाइप्स के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उसी के ऊपर इसका प्रारूप भी यहाँ पर दिया हुआ है. तो इसके अंदर दूसरी इकाई के जो जो सिलेबस हमारा हुआ है सितंबर महीने में उससे संबंधित कुछ गद्य पद्य पूरक पठन व्याकरण और उपयोजित लेखन संबंधी सभी का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है. और उसी ये जो वर्कशीट है इसके अंतर्गत कौन सा टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं या आज हम इस पार्ट में चर्चा उसकी करने वाले हैं. तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है पद्य जो दूसरी इकाई का है उसका नाम है बरसही जलत, और उसके जो लेखक है कवि जो है वह है गोस्वामी तुलसीदास, जो पाठ्य पुस्तक क्रमांक 51-52 पे आपको दिया हुआ है. उसके ऊपर यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं वो तो प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार है. प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. कृति एक यहाँ पर दी है, आकृति पूर्ण कीजिए. तो जैसे हम हमेशा देखते हैं कि आपको जहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए, फिर आकृति पूर्ण कीजिए, कृतियां पूर्ण कीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी हमारे कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं. तो पहला जो कृति है नष्ट होने वाले क्रोध से और वर्षा से. दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आ विद्वान लोग क्या कर रहे हैं. इस दूसरी जो कृति यहाँ पर दी है उच्ची जोड़ियां ढूंढकर लिखिए. अगर दिया है बगर दिया है और उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है. दमकती बिजली, भूमि पर गिरा पानी,
अच्छे राजा का राज्य बरसात के दिनों में, और बगट में वहां पर दिया है प्रजा की वृद्धि, चक्रवाक पक्षी, दुष्टों की मित्रता और माया से लिपटा जीव। उसके बाद जो कृति यहाँ पर दी है, कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए। पत्ते, रात, निराशा के जगह पे यहाँ पे निराना शब्द चाहिए, वो गलती से यहाँ पर निराशा हुआ है तो वहां पर शब्द निराना शब्द आएगा। चौथा शब्द है पृथ्वी, उसके बाद है हवा, उसके बाद धूल, मेंढक और नष्ट होना। कृति 4 यहाँ पे दी है, पद्यांश की किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, उसके लिए 4 अंक यहाँ पर दिए हैं। तो कृति 5 है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण के लिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए कुछ पॉइंट वहां पर दिए जाते हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमें उसका विश्लेषण करना रहता है। पहला है रचनाकार का नाम, दूसरा है रचना की विधा, तीसरा पसंदीदा पंक्तियां और पंक्तियां पसंद होने का कारण। तो इसके ऊपर जो प्रश्न पूछे है उसके उत्तर जो है वह आज हम देखेंगे। जैसे नष्ट होने वाले है तो क्रोध से नष्ट होने वाला है धर्म और वर्षा से नष्ट होने वाली है धूल। तो उसका उत्तर आता है एक में धर्म और दूसरे में धूल। दूसरा जो था, विद्वान लोग क्या कर रहे है, तो उसका उत्तर है विद्वान लोग मोह का त्याग कर रहे है, और दूसरे में आएगा विद्वान लोग माया का त्याग कर रहे है। जोड़िया जो थी उसका उत्तर है दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता, भूमि पर गिरा पानी, माया से लिपटा जीव, अच्छे राजा का राज्य, प्रजा की वृद्धि, बरसात के दिनों में यानी चक्रवाक पक्षी। तीसरी जो कृति यहाँ पर दी थी वो पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखना रहता है, और ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा पद्य के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द ये था पत्ते, पत्ते का मतलब रहता है पात, रात, रात यानी निसी, निराना, निराना के लिए आया हुआ शब्द यहाँ पर है निरावही, पृथ्वी, पृथ्वी के लिए आया हुआ शब्द है मही, हवा, हवा के लिए आया हुआ शब्द पद्यांश में है मारुत, धूल, धूल यानी धूरी, मेंढक, मेंढक का मतलब है दादुर, और नष्ट होना के लिए आया हुआ शब्द है बिनसई। उसके बाद वहां पर किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना था। जैसे पद्यांश में कभी प्रथम 4 पंक्तियों या फिर अंतिम 4 पंक्तियां या फिर कई बार वहां पर आपको पंक्तियां भी दी जाती है, बट यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो पद्यांश के किन्हीं 2 पंक्तियां का हमें भावार्थ यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने ये जो पंक्तियां ली है उसी पोयम से रिलेटेड है, जो चौपाई वहां पर दी थी वो चौपाई इस प्रकार थी, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु पटु समुदायी, नवपल्लव है बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। इसका मतलब है कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई है जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। उसके बाद कृति जो 5 थी वह थी पद्य विश्लेषण के लिए। यह प्रश्न कृति पत्रिका में नहीं आता है, लेकिन ओरल के जो आपके 20 अंक रहते हैं वहां पर ऐसे टाइप से प्रश्न हमें सॉल्व करने रहते हैं। पहला जो पॉइंट दिया था रचनाकार का नाम, तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। रचना की विधा, महाकाव्य अंश, पसंदीदा पंक्तियां, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परे ही नहीं पंथ, जिमी पाखंडी विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। इसका जो पसंद होने का कारण है, क्योंकि यहाँ पर कवि कहते हैं पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है,
यह दृश्य ऐसे लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद पूरक पठन के लिए आपको एक पाठ दिया था जिसका नाम है दो लघु कथाएं और जिसके लेखिका है नरेंद्र कौर छाबड़ा। पाठ्य पुस्तक का जो पृष्ठ क्रमांक 54-55 है उसके अंतर्गत ये लेसन वहां पर दिया हुआ है। उसके ऊपर जो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं वो इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, मतलब यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए। पहला जो अ दिया हुआ है गर्मी की विशेषताएं और आप हमें यहाँ पर कौन से भी चार विशेषताएं लिखनी है। दूसरा दिया हुआ है ब, कृति पूर्ण कीजिए लेखक के मन परिवर्तन के कारण, यहाँ पर भी चार कृतियां हमें लिखनी है। क, उत्तर लिखिए मौसम ऐसा था और यहाँ पर तो जो है तो उसका जो आंसर आता है वह हमें यहाँ पर लिखना है। ड में दिया है कारण लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया था युवक को पहले नौकरी ना मिल सकी, उसका कारण हमें यहाँ पर लिखना है। और दूसरा है आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया, उसका कारण यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ इस पाठ के अंतर्गत आपको दो छोटी छोटी कथाएं वहां पर उन्होंने दी है। तो जो पहली कथा थी उस कथा के संदर्भ में ये परिच्छेद दिया हुआ है, उसी परिच्छेद में से हमें आंसर ढूंढकर लिखना है। तो उसका उत्तर इस प्रकार आएगा, गर्मी की जो विशेषता है, गर्मी की विशेषता, पहली विशेषता है भीषणता, दूसरी विशेषता है अंगारे से तपन, उसके बाद है लू चलना और उसके बाद है उमस होना। तो लू का मतलब रहता है जो तपी हुई वायु या उसका जो झोंका रहता है उसे हम लू कहते हैं। उमस का मतलब होता है हवा न चलने पर होने वाली जो गर्मी है उसे हम उमस कहते हैं। प के अंतर्गत वहां पर कृति थी लेखक के मन परिवर्तन के कारण, कौन से चार कारण थे कि लेखक का मन वहां पर परिवर्तित होता है। तो पहला कारण था पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, दूसरा अच्छे होटलों में रुकना, तीसरा बड़ी दुकान में दाम पूछे बिना खर्च करना और चौथा गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। उसके बाद चौथा मौसम ऐसा था, मौसम जो था वो किस प्रकार का था, एटमॉस्फेयर वहां का जो वातावरण उसका वर्णन। जब हम प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो वहां पर ऐसे शब्द हमें उस आगे पीछे कहीं ना कहीं पे तो उस जो दिया हुआ परिच्छेद रहता है उस परिच्छेद में, जैसे ये मौसम शब्द है तो मौसम शब्द हम वहां पर ढूंढेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसी के 2-3 लाइन में हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो मौसम ऐसा था, उसका उत्तर है लिजरिजा और घुटन भरा। लिजरिजा का मतलब है अशोभनीय और घुटन भरा यानी सांस लेने में होने वाली जो कठिनाई रहती है उसे हम घुटन भरा कहते हैं। उसके बाद ड जो था वह कारण लिखिए के लिए था, युवक को पहले नौकरी ना मिल सकी इसका कारण था क्योंकि हर जगह पर भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था। और दूसरा है आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर दिया है वह भी पद्य है, दूसरी इकाई का चौथा जो पद्य था छापा ओम प्रकाश आदित्य उसके लेख उसके कवि है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65-66 पे यह आपको कविता दी गई है। और इस कविता में मतलब जैसे लेखक और छापा मारने वाले जो अधिकारी है उनके उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। जो आयकर विभाग के अधिकारी उसके घर में आए थे तो उसी से रिलेटेड ये कविता है। यहाँ इसके अंतर्गत जो प्रश्नों दिए गए हैं वो इस प्रकार के हैं। प्रश्न क्रमांक पहला था, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए,
कृति एक की संजाल पूर्ण कीजिए, और संजाल पूर्ण कीजिए के लिए वहां पर प्रश्न था, अधिकारियों ने पैसा घर में कहाँ कहाँ ढूंढा, और उसके लिए हमें चार उत्तर वहां पर लिखने हैं। आ जो था छापा मारने वाले द्वारा कवि से मांगी गई चीजें, मतलब जब वो छापा मारने वाले जो लोग वहां पर आए थे आयकर विभाग के, उन्होंने कवि से कौन कौन सी चीजें वहां पर मांगी थी। कृति दो दी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। वे कड़ाड़कर बोले तो कवि किस प्रकार बोले, यहाँ पर कवि शब्द हुआ है वो गलत है, कवि शब्द यहाँ पर चाहिए, कवि किस प्रकार बोले। आ यहाँ पर है कवि चांदी का अर्थ किससे जोड़ते हैं। कृति तीन यहाँ पर दी है, पद्यांश में से किन्हीं चार पंक्तियों का भावार्थ हमें यहाँ पर लिखना है। तो उसका उत्तर इस प्रकार है, पहला जो था अधिकारियों जो थे उन्होंने पैसा घर में ढूंढा, जो जो जगह पे उन्होंने पैसा ढूंढा था वह थे अलमारी, रसोई की पिपिया, बच्चों की गुल्लक, कंस्तर और मटके। यहाँ यहाँ इस जगह पर अधिकारियों ने कवि के घर में पैसे ढूंढने के लिए उन्होंने ये चीजें वहां पर देखी थी। तो जैसे पिपिया का मतलब रहता है ढोल के आकार का लोहे का बना जो छोटा पात्र रहता है उसे हम पिपिया कहते हैं, और कंस्तर का मतलब रहता है टीन का एक चौकर आकार का एक पीपा रहता है जिसमें हम घी तेल आदि सभी चीजें रखते हैं उसे हम कंसर कहते हैं, और गुल्लक का मतलब है बच्चे जिसमें पैसे रखते हैं, मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन रहता है जिसमें बच्चे पैसे रखते हैं उसे हम गुल्लक कहते हैं। आज जो था वो छापा मारने द्वारा कवि से मांगी गई चीजें, तो जब उन्होंने वहां पर छापा मारा था तो कौन कौन सी चीजें उन्होंने कवि से मांगी थी, तो वह थी पहला था सोना, दूसरा था चांदी, तीसरा था नोट यानी जो रुपए थे, और चौथा था अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ, मतलब जो पैसा उन्होंने अनाधिकृत रूप से कमाया था, अर्थ का मतलब है पैसा। तो वह चार चीजें उन्होंने कवि से मांगी थी। कृति दो यहाँ पर थी, वे कड़ाड़कर बोले तो कवि किस प्रकार बोले, वे कड़ाड़कर बोले तो कवि भड़क कर बोले। आ कवि चांदी का अर्थ किससे जोड़ते हैं, तो कवि चांदी का जो अर्थ है अपने बालों में, उनके बालों में जो सफेदी आई हुई थी तो अपने बालों से वो उसका अर्थ जोड़ते हैं। कृति तीन थी, किन्हीं पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है, किन्हीं चार पंक्तियों का, तो इसका वो पूरी जो कविता आपको दी है पूरी कविता के अंतर्गत आप कौन सी भी चार वहां पर पंक्तियां चूज कर सकते हो और चार पंक्तियों का भावार्थ आप वहां पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अंतिम जो चार पंक्तियां है वो अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर लिखा है। उसका मतलब यह है भावार्थ यानी उस जब हम उस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें उसमें से क्या समझ में आता है उसी का अर्थ हमें वहां पर लिखना रहता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, भावार्थ लिखने के लिए बोला है और अंतिम चार पंक्तियां तो कविता देखते हैं, कविता में जो चार पंक्तियां उन्हें दिखाई देती है उन्हीं पंक्तियों को एज इट इज जैसा है वैसा ही वो लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, वहां पर हमें अंक नहीं मिलते हैं, हमें उससे आपको क्या समझ में आता है उसका मीनिंग क्या है उससे हमें वहां पर लिखना रहता है। उसका उत्तर है, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर लेते हो, ठीक है निकलवा कर लीजिए, पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं होती है उनके घर में बैठने के लिए कम से कम एक तख्त की तो व्यवस्था आप करते जाइए। उसके बाद का जो घटक था वह घटक है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उसके जो लेखक है वह है सुनील शास्त्री। यह जो ईमानदारी की प्रति
प्रतिमूर्ति दूसरी इकाई में से पांचवा लेसन वहां पर दिया हुआ है। और यह लेसन सुनील शास्त्री के जो पिताजी हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके उनका जीवन किस तरीके से सादगी से भरा हुआ था, सरलता से भरा हुआ था, और उसी का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत उनके उनका जो पुत्र है सुनील शास्त्री, उन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। जो और यहाँ पे लेसन बड़ा है, लेकिन जो परिच्छेद यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है वह पृष्ठ क्रमांक 71 के वहां पर जो परिच्छेद दिया हुआ है, मतलब जो अम्मा बताती है डैश सदा ही लोक रहता है, तो इसके अंतर्गत हमें इसके जो कृतियां यहाँ पर दिए है उसका आंसर हमें ढूंढना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति 1 जो थी वह आकृति पूर्ण कीजिए। पाठ में और पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, गहना यानी जो ज्वेलरी है उसके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। कौन कौन से गहनों के नाम इसके अंतर्गत आए हुए हैं। आ यहाँ पर दिया है लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा था, तो लेखक की जो पत्नी, लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने अपनी पत्नी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा था, कौन से भी दो, यहाँ पर हमें उसका उत्तर लिखना है। कृति 2 जो थी वह थी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब वहां पर दिया है, यहाँ पर भोजपुरी छेद नहीं चाहिए था, परिच्छेद शब्द यहाँ पर आना चाहिए था, ये गलत है। तो परिच्छेद में प्रयुक्त एक शहर का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जो परिच्छेद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन से शहर का नाम आया हुआ है उसका नाम इसके अंतर्गत हमें लिखना है। आ दिया हुआ था इन्हें घाटा लगा था, तो किसे, मतलब किन्हें घाटा लगा था, तो जो उत्तर हमें मिलता है उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। कृति 3 यहाँ पर दी है, जो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो यहाँ पर एक ऐसे बहुत सारे, मतलब गद्य आकलन के लिए भी हमें ऐसे टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उपयोजित लेखन में, और कभी कभी जो लेसन हमें दिए जाते हैं, जो परिच्छेद हमें दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत भी ये कृतियां पूछी जाती है कि जिसका उत्तर ही आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर शब्द उन्होंने दिया हुआ है सुहाग वाले, और दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है सुख और दुख, तो जब बहुत सारे, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं उसी शब्दों को लिखते भी है, पर जब हम उत्तर, हमें वह शब्द चाहिए, इसका मतलब प्रश्न बनाते समय यह शब्द वहां पर नहीं आना चाहिए, और अंत में हम वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तभी वह हमारा प्रश्न बन जाता है। कृति 4 यहाँ पर दी थी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वह हमारे डैश डैश कहने थे, हम कह देंगे कि डैश कहने के अनुसार हमने गहने गहने पहनना छोड़ दिया। और कृति 5 यहाँ पर दी है महिलाओं के जो गहने, गहनों का जो शौक है, यहाँ पर शब्द कहने आया हुआ है, लेकिन गहने जो महिलाएं पहनती है उनका पहनने का, वो गहने पहनने का शौक, इसके विषय पर आपके आपको विचार लिखना रहता है। ऐसे टाइप्स के हर एक जो गद्य आपको आते हैं, 3 गद्य आपके कृति पत्रिका में आपको दिए जाते हैं, 2 सीन रहते हैं और 1 अनसीन रहता है, तो उसके अंतर्गत लास्ट की कृतियां हमेशा ओन ओपिनियन पे ही रहती है, मतलब स्वमत, आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है, ये स्वमत में हमें वहां पर लिखना रहता है। तो उसका उत्तर है पहला जो था पाठ में प्रयुक्त गहनों के जो नाम यहाँ पर आए है, तो यहाँ इस पाठ के अंतर्गत 4 गहनों के नाम आए हैं, आपको कौन से भी आप 2 यहाँ पर लिखना है। पहला जो है वह है टीका, दूसरा जो है वह है नथुनी, उसके बाद बिछिया भी आया है, मतलब जो पैर में रिंग पहनते हैं उसे हम बिछिया कहते हैं, और सोने के जो गहने हैं ये इस पाठ में
इस गहनों के ये नाम आए हुए हैं। दूसरा जो था, लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा था, तो पहला उत्तर आएगा, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, और दूसरे में आएगा, मैं तुम्हें आराम नहीं दे सका। कृति दो है, परिच्छेद में प्रयुक्त शहर का नाम हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर शहर के भी जो नाम आए हैं वो भी जैसे मिर्जापुर भी आया है, रामनगर भी आया है और बहादुरगंज भी आया है, तो आप तीनों में से कौन सा भी एक नाम वहां पर लिख सकते हो। दूसरी कृति जो आ है वहां पर दी है, इन्हें घाटा लगा था, तो जो घाटा है लेखक के पिताजी के चाचाजी को लगा था, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के जो चाचाजी थे उनको यह घाटा लगा हुआ था, उन्होंने जो व्यवसाय शुरू किया था उसमें उनको घाटा आया हुआ था। कृति तीन है, सुहाग वाले, इसका यह उत्तर हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें प्रश्न तैयार करना है, तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा, लेखक की माँ ने किस तरह के गहने रख लिए थे, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर हमने लिया है किस तरह, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद ये प्रश्न बन जाता है। उत्तर हमें चाहिए सुख दुख, और इस उत्तर के लिए प्रश्न बनेगा, जीवन में क्या सदा ही लगा रहता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आया हुआ है क्या, और उससे यह प्रश्न बनता है, तो जिससे हमें उत्तर मिलता है सुख दुख। कृति चार यहाँ पर दी है, वह हमारे, और रिक्त स्थान था, तो यहाँ पर आएगा सुहाग वाले गहने थे, हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे। और लास्ट का जो प्रश्न था वहां पर ओन ओपिनियन के लिए जो आया हुआ था, मतलब महिलाएं जो रहती है उनको गहने पहनने का शौक हमेशा रहता है, इसके बारे में आपको विचार लिखना है, कम से कम ये 25 से 30 शब्दों में हमें वहां पर उत्तर लिखना रहता है, तो उसका उत्तर इस प्रकार आएगा, श्रृंगार और स्त्रियों का पुराना नाता रहा है, केश विन्यास परिधान और मेकअप के साथ साथ स्त्रियों के श्रृंगार में आभूषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, आभूषण के प्रति स्त्रियों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए आभूषण निर्माता तरह तरह के सुंदर आभूषणों का निर्माण करते हैं। हमारे देश में अधिकांश हिस्सों में विवाह के समय कन्या को वर पक्ष एवं माता पिता की ओर से आभूषण देने की प्रथा चली आ रही है, इसके पीछे कन्या को श्रृंगार, मतलब श्रृंगार के साधन के साथ साथ जीवन में वक्त जरूरत के समय काम आने वाली छोटी मोटी पूंजी देने का उद्देश्य उनका रहता है, और हमारे पुरखों ने इसी उद्देश्य से आभूषणों के चढ़ाव की रस्म से जोर दिया था, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आभूषण जो रहते हैं वह श्रृंगार और पूंजी दोनों के भी काम में आते हैं, तो यह उत्तर इस प्रकार इसका आएगा। उसके बाद की जो कृतियां है वह कृति है व्याकरण से संबंधित, जो विभाग क्रमांक 4 हमारा रहता है कृति पत्रिका में, जिसे हम भाषा अध्ययन भी कहते हैं, तो भाषा अध्ययन के अंतर्गत हमें कुल ऐसे 14 अंक के लिए यह विभाग रहता है, तो उसी में से कुछ घटक यहाँ पर उन्होंने लिए हैं इस वर्कशीट के अंतर्गत, जहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर दिया है, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, तो निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो पहला शब्द यहाँ पर दिया है की और दूसरा शब्द है हो, तो ये जो अव्यय रहते हैं आप सभी को मालूम है कि अव्यय के चार जो भेद है, उस चार भेद, मतलब अव्यय हमें पहचानने के लिए नहीं आता है कृति पत्रिका में, हमें उस अव्यय से संबंधित एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द से संबंधित हमें वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है, तो वाक्य बनाते समय वह वाक्य शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण के नियमों के अनुसार वह वाक्य वहां पर बनना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की ओर
और जो समुच्चय बोधक का और रहता है उसमें कंफ्यूजन कर देते हैं कि उनका उन्हें लगता है कि ये जो और है ये मतलब समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो उसमें वो गलतियां करते हैं और उससे वो उनका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित वाक्यों का, यहाँ पर अर्थ नहीं चाहिए था, रचना के आधार पर भेद पहचानो, क्योंकि अर्थ के आधार पर हम वाक्य में परिवर्तन करते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न रहेगा, रचना के आधार पर हमें भेद यहाँ पर पहचानना है कि जो रचना के आधार पर तीन भेद हमने देखे थे, जैसे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। तो पहला वाक्य यहाँ पर दिया है, चाची की बात सुनकर तिरचंद तुरंत उठकर बाहर चला गया। और दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया है, रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। ग यहाँ पर दिया है, तालिका पूर्ण कीजिए। और तालिका पूर्ण कीजिए यहाँ पर संधि के संबंधित ये प्रश्न है कि जो आपको कृति पत्रिका में दो अंक के लिए पूछी जाती है, वहां पर तीन ऐसे वहां पर उसके टाइप संधि रहता है, उसके बाद संधि का विच्छेद हमें करना रहता है, उस संधि का जो भेद है उसे हमें उसके अंतर्गत लिखना रहता है। तो संधि के भी तीन मुख्य ही भेद है, एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इन तीनों में से कौन सा तो एक भेद वहां पर हमें लिखना रहता है। और घ यहाँ पर दिया है, प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप हमें लिखना है। एक के अंतर्गत यहाँ जैसे बॉक्स यहाँ पर दिए जाते हैं उसी बॉक्स के अंतर्गत हमें उसका उत्तर वहां पर लिखना रहता है। पहली क्रिया यहाँ पर दी है चलना और दूसरी क्रिया यहाँ पर दी है सोना। तो इसका जो उत्तर है कि जैसे की और यह जो संबंध बोधक अव्यय है उसका सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। तो दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है वो, तो वो के लिए जो वाक्य यहाँ पर जो वाक्य बनेगा वह वाक्य इस प्रकार बनेगा, जैसे वो कितनी गर्मी है, और वो के बाद हमें वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद का जो प्रश्न था रचना के आधार पर वाक्य का भेद हमें पहचानने के लिए था, तो पहला वाक्य यहाँ पर था, चाची की बात सुनकर तिरचंद तुरंत उठकर बाहर चला गया। तो यह वाक्य जो है वह सरल वाक्य है क्योंकि एक ही सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है और एक ही क्रिया यहाँ पर हुई है। दूसरा जो वाक्य था, रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था, तो यह जो वाक्य है यह वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि उसके उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम क्योंकि इस योजक शब्द ने किया है और इसलिए यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य है। तालिका पूर्ण कीजिए, पहला शब्द यहाँ पर दिया था देवेंद्र, तो उसका जो विच्छेद बनेगा संधि का विच्छेद प्लस चिन्ह बीच में हम लगाते हैं और दोनों ये जो शब्द वहां पर दिया जाता है उसको डिवाइड किया जाता है, तो संधि विच्छेद बनेगा देव प्लस इंद्र और उसका भेद आएगा स्वर संधि, क्योंकि जब व का उच्चारण हम करते हैं प्लस के पहले व आया हुआ है तो वहां पर अ आता है वोवेल्स और उसके बाद ई वोवेल्स आता है, तो अ और ई मिला के ई बन ए बनता है, तो यह स्वर संधि है। दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है मनोहर, तो मनोहर शब्द का जो संधि विच्छेद मतलब आपको जो कृति पत्रिका में आया हुआ है मन, उसके बाद विसर्ग दिया है प्लस और हर दिया है, तो इससे शब्द बनने वाला है मनोहर। और ऐसे जब संधि विच्छेद आपको दिया जाता है तो उसे हम आसानी से पहचान, अगर प्लस के पहले आपको वहां पर दो विसर्ग दिखाई देते हैं तो ये मतलब विसर्ग संधि रहती है। तीसरा शब्द आपको दिया था वहां पर विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद बनेगा विद्या प्लस आलय और यह बनेगी स्वर संधि। और उसके बाद संधि विच्छेद उन्होंने दिया हुआ था सत प्लस आचार, प्लस के पहले अगर वहां पर जो अक्षर रहता है यहाँ पर त है अक्षर
और त के नीचे क्रॉस लाइन है, तो ऐसे ऐसे अगर वहां पर संधि विच्छेद आपको दिया जाता है तो वह हमेशा व्यंजन संधि रहती है। तो सत प्लस आचार शब्द बनेगा सदाचार। उसके बाद कृतियां यहाँ पर दी है। पहली जो कृति है, पहली जो क्रिया यहाँ पर दी है वह है प्रेरणार्थक क्रियाओं का रूप हमें यहाँ पर लिखना है। पहली क्रिया यहाँ पर दी है चलना। चलना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप आता है चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी चलवाना। दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है सोना। तो सोना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया इसकी बनती है सुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी सुलवाना। उसके बाद का जो घटक है वह उपयोजित लेखन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, जिसको हम लेखन कौशल्य भी कहते हैं, जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं। प्रश्न जो विभाग क्रमांक का 5वां रहता है उसके अंतर्गत ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन हमें वहां पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 जो है वह विज्ञापन के लिए दिया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर हमें यहाँ पर विज्ञापन तैयार करना है। जैसे यहाँ पर और उन्होंने विषय यहाँ पर दिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, उसके अंतर्गत उन्हें इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है और वहां पर पॉइंट ये आने चाहिए कि उसकी पात्रता, उसका अनुभव, वेतन और संपर्क उन्हें वहां कहाँ पर करना है। तो इसके लिए हमें विज्ञापन तैयार करना है। 5 अंक के लिए विज्ञापन लेखन रहता है। तो विज्ञापन इस प्रकार बनेगा, चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क के लिए इलेक्ट्रीशियन जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो, और जो अदबी पावर है तो लाइट से संबंधित काम के लिए, तो वहां पर हम पॉइंट डाल सकते हैं विद्युत प्रणाली और बिजली उत्पादन का रखरखाव और मरम्मत का ज्ञान, कम से कम 1 साल का अनुभव। शैक्षिक जो योग्यता रहती है उसके लिए अलग अलग डिप्लोमास रहते हैं या फिर ITI का कोर्स रहता है, तो वहां पर हम उसका जो योग्यता है वहां पर लिखेंगे डिप्लोमा या ITI। वेतन दरमाहा 15,000 रुपए, काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और संपर्क के लिए पता यहाँ पर दिया है ओम इलेक्ट्रिकल्स, भवानी शंकर रोड, दादर, पश्चिम मुंबई, और उसके बाद पिन कोड और फोन नंबर भी, हम कौन सा भी फोन नंबर 10 डिजिट या फिर जो लैंडलाइन नंबर के अंतर्गत आते हैं वो फोन नंबर हम वहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न यहाँ पर दिया था, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित किसी भी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में हमें निबंध लिखना है, और ये सबसे कृति पत्रिका के सबसे अंत का प्रश्न ये रहता है निबंध लिखने के लिए, जो कुल 7 अंक के लिए आपको वहां पर दिया जाता है, और इसके अंतर्गत 3 अलग अलग विषय आपको दिए जाते हैं। तो 3 अलग अलग विषयों में से आपको कौन सा तो एक विषय चूज करके उसे हमें लिखना रहता है, जिसकी शब्द मर्यादा दी जाती है 100 से 120 शब्दों में हमें वो लिखना रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो वर्तमान स्थिति रहती है, वर्तमान की स्थिति समाज में, अभी वर्तमान की स्थिति क्या है उससे संबंधित ही विषय वहां पर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, पहला विषय है कोविड योद्धा की आत्मकथा, दूसरा विषय है लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व, और तीसरा विषय है समुन्द्र के किनारे 2 घंटे। तो हम यहाँ पर दूसरा जो विषय दिया हुआ है उसका निबंध किस प्रकार हम लिख सकते हैं ये देखेंगे। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व, ऑनलाइन शिक्षा, कोरोना न डाल पाए शिक्षा पर कोई प्रभाव, यही है ऑनलाइन शिक्षा का मुख्य आधार। तो इसके अंतर्गत हम ये उसकी प्रस्तावना लिख सकते हैं, उसका स्वरूप किस प्रकार है ऑनलाइन शिक्षा का, उसमें हमें कौन से फायदे होते हैं, उसमें से नुकसान कौन सा है, ऑनलाइन शिक्षा में कौन कौन सी चुनौतियां है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिख सकते हैं, वर्तमान में कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा अत्यंत आवश्यक है,
सुविधाजनक होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा आज विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लॉकडाउन के इस कठिन वक्त में जहां सभी विद्यालय और कॉलेज बंद है, ऑनलाइन शिक्षा ने ही विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मुश्किल भरे समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना ऑनलाइन माध्यम के संभव हो पाना नामुमकिन सा है। ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई करने का ऐसा माध्यम है जिसमें छात्र इंटरनेट के द्वारा स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रयोग करके घर पर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार शिक्षक भी देश और दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए तीव्र गति की इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आज विश्व के सभी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर आज ऑनलाइन माध्यम ना होता तो कोरोना काल में करोड़ों बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती। ऑनलाइन शिक्षा के जो फायदे हैं उसको भी हम वहां पर लिख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के बहुत से फायदे हैं। इसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपने अध्ययन से संबंधित संपूर्ण सामग्री आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अन्य कोर्स जैसे कि नृत्य, गायन, कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, योगा, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर इत्यादि को भी सीखा जा सकता है। इस माध्यम से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी की जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा घर से ही हो जाने पर समय की और धन की दोनों की भी बचत हो जाती है। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में अनावश्यक शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो नौकरी के साथ अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, वह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के द्वारा इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना महामारी जैसे परिस्थितियों में भी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ही शिक्षा के क्षेत्र में कारगर साबित हुई है। इस ऑनलाइन शिक्षा के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, परंतु देश में बहुत से क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की सुविधा ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भला ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार से सफल होगी? ऐसे छात्र जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि नहीं है, वह छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से एक अध्यापक का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे भविष्य में बच्चों के जीवन में वास्तविक शिक्षक की कमी रह जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों की प्रतियोगिता का स्तर कम होता जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान कक्षा में बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाना बेहद कठिन होता है। ऑनलाइन कक्षाओं में स्क्रीन अधिक समय तक देखने के कारण आंखें कमजोर होने लगती है और बड़े बच्चों में सरदर्द जैसे समस्याएं वहां पर उत्पन्न होने लगती है। तो इसके मार्ग में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे जिन शहरों, गांवों अथवा कस्बों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को शुरू कर पाना नामुमकिन है। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां इंटरनेट की स्पीड कम होती है, वहां भी ऑनलाइन शिक्षा बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। इंटरनेट पर कई बार छात्रों को अध्ययन सामग्री अपनी भाषा के अनुरूप नहीं मिल पाती है, जिससे अध्ययन में समस्या होती है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के विषय में पूर्ण ज्ञान हो।
बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन उनका ज्ञान लेना उससे मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व दिन दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट दूर होने की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को भेज नहीं पाते थे, मगर अब यह परेशानी भी ऑनलाइन शिक्षा ने दूर कर दी है। यह एक नई प्रकार की शिक्षा है जो हर देश अपना रहा है। विद्यार्थियों को जरूरत है कि वह मन लगाकर पढ़े और अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल करे। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को पाने में असमर्थ है, उनके लिए सरकार द्वारा निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी बच्चा किसी अभाव के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। ऑनलाइन शिक्षा करे नवयुग का संचार, जिससे विद्यार्थी कर पाए अपने सपनों को साकार। तो इस तरीके से आपको आपका जो इस महीने का मतलब सितंबर महीने का आपका वर्कशीट है, और इस वर्कशीट के अंतर्गत आपको कौन कौन सी मतलब पूरा जो आपका सिलेबस रहता है जिस संबंध में आपकी कृति पत्रिका रहती है, उसी कृति पत्रिका से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्नों का स्वरूप भी उन्होंने इस वर्कशीट के अंतर्गत आपको दिया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट को उसे सॉल्व कर प्रॉपरली सॉल्व करना है। जैसे वहां पर अलग अलग उन्होंने कृतियां दी है, उस कृतियों को और जैसे डायग्राम्स वहां पर दिए जाते हैं उसी डायग्राम्स के अंतर्गत आपको वहां पर लिखना है। लेकिन डायग्राम्स निकालते समय आपको सभी जगह पे पेन का ही यूज करना है, ठीक है? आशा करती हूँ सभी को यह जो कृति वर्कशीट है ये आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है? धन्यवाद। हेलो।